आप तो प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मंडी में किया गया। सूखा, बाढ़, चक्रवर्ती तूफान, भूकंप, भूस्खलन, आगजनी जैसी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है और न ही इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन आपदा प्रबंधन के माध्यम से इन्हें कम किया जा सकता है। ये विचार उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने आपदा प्रबंधन पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के शुभारम्भ अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आपदा के समय संयम से काम लेते हुए प्रभावितों को राहत पहुंचानी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन की दो महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आपदा के खतरे जोखिम एवं शीघ्र चपेट में आने वाली स्थिति के मेल से पैदा होते हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी संबंधित विभागों का आह्वान किया कि वे कार्यशाला में प्राप्त उपयोगी जानकारी समय पर आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाएं। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया तथा आपदा से निपटने के लिए उपायों की जानकारी प्राप्त की। कार्यशाला का समापन अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी राजीव कुमार ने किया। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मंडी जिला में पहली बार 13 अक्टूबर तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु जन जागरूकता अभियान समर्थन 2018 का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत जिला में विभिन्न गतिविधियों सहित रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी तथा अभियान के दौरान विभिन्न प्रकार की आपदाओं और आपदाओं से निपटने के तरीके एवं आपदा जोखिम को कम करने के उपायों के बारे में जन साधारण को पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। 2 अक्टूबर को होने वाली विशेष ग्राम सभा की बैठक में आपदा जोखिम को कम करने के बारे में चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हिमाचल DRR नेतृत्व पुरस्कार 2018 भी दिया जा रहा है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जिन्होंने किसी आपदा के समय अथवा इसके बाद विपरीत परिस्थितियों में साहस दिखाते हुए जान माल की रक्षा की हो या आपदाओं के जोखिम को कम करने का प्रशिक्षण प्रदान किया हो या किसी प्रकार के संरचनात्मक या गैर संरचनात्मक उपाय किए हों। इसके अतिरिक्त आपदा से उभरने पर आधारित कहानी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मॉडल की प्रविष्टियों को हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भेजने की अंतिम तिथि 20 सितंबर साय 5 बजे तक है, जबकि नेतृत्व एवं कहानी प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2018 तक है। उपायुक्त ने बताया कि 11 अक्टूबर को जिला के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थानों में विभिन्न अग्नि सेवाओं, होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा अभियान सहित अन्य हितकारी विभागों के सहयोग से अग्नि सुरक्षा पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों एवं शिक्षा उपनिदेशक के माध्यम से स्कूलों में आपदा पर आधारित स्लोगन, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर व निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। आज हमारा जो है यहाँ पर एक दिवसीय डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक वर्कशॉप रखी हुई है सभी विभागों के लिए, जिसमें कि सभी विभागों को बताया जाएगा कि वो अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करें और किस प्रकार से इसको तैयार कर रहा है उसकी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक हमारा एक अहम हिस्सा है, जिसमें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार है, पर यह अपेक्षा की जाती है कि हर डिपार्टमेंट अपना एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करे कि जब कोई इस तरह से अगर कोई भूकंप आता है या फ्लैश फ्लड्स आते हैं या फ्लड्स आते हैं तो उसमें वो विभाग किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स कैसे होगा, रिस्टोरेशन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में उन्होंने सोच विचार करना है और एक प्लान तैयार करना है ताकि हम जो है डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरीके से तैयार रहे और किसी भी डिजास्टर के लिए सभी लोग जो है मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन बड़ा इसका अहम हिस्सा होता है। जब भी कोई डिजास्टर आता है तो उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी और सभी प्लान्स तैयार हो जाएंगे और उसके प्लान्स के बाद जिला मंडी में हम और बेटर तरीके से किसी भी आपदा में रिस्पॉन्स कर पाएंगे।